विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओपी चौधरी जी लगातार वहां पर से सूचना मिल रही, मतदाताओं को वो प्रलोभन देते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, जो आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू हो चुकी है विधानसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए मतदाताओं को तरह तरह का प्रलोभन जो है प्रत्याशियों द्वारा दिया जा रहा है। एक पूर्व नौकरशाह जिसकी ईमानदार छवि हुआ करती थी, एक छत्तीसगढ़ी नौकरशाह जिसको लोग अपना जो है आइडियल माना करते थे, वह मतदाताओं को लुभाने के लिए शेविंग किट बांटता है, इससे हास्यास्पद बात और क्या होगी। इस पूरे मामले को लेकर हमने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को शिकायत करी है, भारत सरकार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है कि मतदाताओं को आप इस तरह से लालच प्रलोभन नहीं दे सकते, उनको चुनाव लड़ने से रोकने तक की हमने मांग की। कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग इसमें सुस्त नजर आ रहा है, लगातार इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, फिर भी वो कोई ना त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं, ना किसी भी प्रकार का एक्शन ले रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग जो है कार्यवाही करने में सुस्त दिख रहा है, पर मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। लगता ऐसा है कि उनके पास भी स्टाफ की कमी है, कुछ दिगर व्यस्तताएं होंगी, पर लग तो रहा है कि कार्रवाई होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर तो होना ही चाहिए जो मतदाताओं को लुभा रहे हैं, तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। और एक आदर्श आचार संहिता में उनको अन्य ओपी चौधरी को नोटिस निर्वाचन आयोग पहले ही दे चुका है, और एक अन्य मामला जो है शेविंग किट बांटे जाने का है, वो भी फोटो और भाजपा के सिम्बॉल के साथ। तो देखिए, ये तो बड़ा मतलब शर्मनाक बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो कि अभी भी सरकारी बंगले में निवास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने उल्लंघन करते भी नजर आए हैं, और लगातार जिस प्रकार से आचार संहिता लगी हुई है, कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये बहुत उग्र होते जा रहा है, इस पे भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, हमने पहले भी इस मामले की शिकायत जो है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कॉपी के साथ मुख्य सचिव को सौंपी थी। हमने उस पूरे मामले की शिकायत जो आवास आवंटन सचिव है छत्तीसगढ़ शासन उनको सौंपी थी कि किस तरह जो बंगले का मूल स्ट्रक्चर है, सरकारी निवास का जो मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन करके वहां पर जो है मीडिया हाउस का निर्माण कर लिया गया, किस प्रकार से वहां पे चुनाव सामग्री रख के बांटी जा रही, किस प्रकार से सरकारी आवास का जो है उपयोग एक राजनीतिक दल के कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, जबकि वह आवास जो है उनको सिर्फ रिहाइश के लिए दिया गया था। तो देखिए, मामला कहीं ना कहीं से बहुत गंभीर है। इस पूरे मामले की जो है पूरे दस्तावेज सहित हमने कॉपी मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार को भी सौंपी है। अब उम्मीद तो है पूरी कि इस मामले में जल्द ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग इस मामले में सुस्ती तो दिखाई रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से सुस्ती है, छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों की सुस्ती है, भाजपा सरकार की साफ तौर पर मैं तो कहूंगा, मिली भगत साफ तौर से कहूंगा, क्या अजीत जोगी भाजपा सरकार की बी टीम है जो उनके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई? निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसा तो प्रतीत हो ही रहा है कि सरकार और अजीत जोगी की सेटिंग है, इसलिए उनको जो सरकारी आवास है पार्टी कार्यालय जो है जनता कांग्रेस के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई।